अगर आपकी पत्नी आप पे घरेलू हिंसा का केस करती है, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ें। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कस में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए पत्नी आप पे घरेलू हिंसा का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है, तो आपको सबसे पहले सम्मन आते हैं, याद रखिएगा। कोर्ट से ये कंप्लेंट केस होता है, आपको पता ही होगा। डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का जो केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक 2005 के तहत सेक्शन 12, सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 इस टाइप से एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है। सबसे पहले इसमें सम्मन भेजे जाते हैं आपको, उसमें आपके परिवार के नाम भी होते हैं। आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, आज की डेट पर अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो जब भी आपके पास सम्मन आता है तो एक DPO हायर किया जाता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर होता है एक, जो IO ऑफिसर की तरह इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर आपके केस में भी कोई DPO हायर नहीं हुआ, तो आप एक एप्लीकेशन देके DPO हायर करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर, DPO शॉर्ट में बोलते हैं इसको दोस्तों, ये क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जैसे IO होता है, उसी तरह से एक DPO होता है डोमेस्टिक वायलेंस केस में। अब वो क्या करता है कि इसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करता है। DPO हायर इस वजह कराना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस में कोर्ट भी 90% केसों में कराते हैं, क्योंकि पहले वो एक इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट पेश करते हैं, जो रिप्लाई के तौर पे आपको दी जाती है। आप रिप्लाई दे रहे हो, DPO के थ्रू आप रिप्लाई देना चाहिए हमेशा। उसमें क्या होता है भाई, पहले एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जब आपके पास सम्मन आएंगे तो उसके बाद एक DPO हायर होता है, DPO आप पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो फाइल जो होती है, रिपोर्ट होती है, जो तैयार होती है, जिसे रिप्लाई भी बोल सकते हो आप, रिपोर्ट भी, चालान भी, जो भी DPO डोमेस्टिक वायलेंस का, इसमें क्या होगा, वो प्रॉपरली आपके घर पे आके इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपके मोहल्ले ओल्ले जो भी होता है, प्रोसेसिंग, लीगली प्रोसेसिंग होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं ऑफिस में बैठे बैठे, आज की डेट पे 90% केस होता है, लेकिन आप डेफिनेटली उसके इन्वेस्टिगेशन कराइए। आपसे बात करेगा DPO, ठीक है, आपके मोहल्ले से पूछा जाएगा कि वाकई ऐसी कोई घटना डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या नहीं हुआ। देखो DPO का ही अहम रोल होता है अगर घरेलू हिंसा केस जीतना है तो। अगर वो फाइल जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, वो अगर आपके फेवर में हो गई, तो डेफिनेटली आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस जीत जाओगे। जी हाँ दोस्तों, DPO का अहम रोल ये होता है दोस्तों कि भाई ट्रायल ना हो, ट्रायल में दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, भाई इससे घरेलू हिंसा हुआ है या नहीं हुआ है, सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अभी लेटमार्क जजमेंट भी आ रखा था 2020 का था, स्टार्टिंग में आया था एक, जिसमें क्लियर बताया गया था कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उसमें घरेलू फैमिलीज के नाम ज़्यादा ऐड किए जा रहे हैं, जैसे डिले हो गया 5 महीने, 1 साल बाद पत्नियां केस कर रही है, और उसके बाद क्या होता है, DPO हायर होता है, DPO उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है प्रॉपरली, जाके भाई ऐसी घटना घटी है या नहीं घटी है। अगर वो आपके फ्यूरम बना देता है कि साहब इन्होंने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है इनके साथ, तो फिर आपका वो केस वहीं पे खारिज हो देता है और ट्रायल में नहीं जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, तो आपके केस में हमेशा DPO हायर जरूर कराइए, और DPO से इन्वेस्टिगेशन जरूर कराइए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट पेश करेगा, जो आपकी तरफ से रिप्लाई पेश करेगा, वो अगर आपके फ्यूर में है, तो आगे ट्रायल पेश नहीं होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होगा वो खारिज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अहम रोल होता है DPO का ही। तो कुल मिला के दोस्तों, इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घरेलू हिंसा केस है, तो DPO हायर जरूर कराना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन आपके प्रॉपर आपके साथ, देखो आपने किया है नहीं है तो डेफिनेटली आपके पक्ष में आएगी, भाई आपके आपकी पत्नी के साथ ऐसा कोई घरेलू हिंसा हुई नहीं है, तो वह जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा वो आपके फ्यूर में आएगी। अगर वो फाइल आपके कोर्ट में वायर डायरेक्टली वकील से नहीं, DPO के द्वारा आप रिप्लाई दे रही हो और वह आपके फ्यूर में रिपोर्ट है, तो डेफिनेटली खारिज हो जाएगा DPO का केस। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग DPO का केस जीत सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो कॉमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।